आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ चिकन रोल बनाने की रेसिपी। ये चिकन रोल हम बिना पट्टी के बनाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो बनाने की तरफ। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे। ये हमने एक बड़ा बॉल ले लिया है और हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, उसको उबाल लिया है लहसुन अदरक के साथ में। आधा चम्मच नमक डाला है और फिर इसके हमने बारीक रेसे कर लिए हैं। अब हम इसे बॉल के अंदर डाल देंगे। और ये हमने 400 ग्राम आलू लिए हैं, उनको भी उबाल के बारीक हाथ से ही मैश किया है। ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। आधा किलो से थोड़ा कम है आलू। एक प्याली ब्रेड क्रम्स, मैंने ब्रेड के 8 स्लाइस लिए थे और उसका मैंने अलग अलग ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। बाहर की साइड के मैंने बना लिए हैं तो इसके अंदर डाल दिया है एक प्याली भर के, और अंदर का पार्ट जो रहता है वाइट वाला उसके ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए हैं कोटिंग के लिए। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक आधा चम्मच क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है नमक, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स, और कुटी हुई दरदरी मिर्च है, ये करीब 5-6 मिर्च है। बारीक कटी हुई गाजर है आधी, ये भी डाल देंगे। शिमला मिर्च आधी, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। हरी प्याज है, ये भी हमने ऊपर का हिस्सा लिया है, मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। आटे के डो के ये सब बना लेंगे। अगर आपके पास चीज़ रखी है तो आप इसमें 1 कप चीज़ डाल लें, चीज़ से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। मैंने चिकन उबालने के टाइम पे इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इसके लिए मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ लहसुन। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे रोल। शुरू करते हैं अब रोल बनाना। सबसे पहले हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और उसको हाथ में दबाते हुए इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम कबाब बनाते हैं। आप जितना बड़ा चाहें रोल बना लें। ये मैंने रोल बना लिया है, ये देखिए। इसी तरीके से हम बाकी के बना लेंगे। वैसे आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इसे चाहें तो कटलेट के जैसा भी बना सकते हैं। ये चिकन रोल अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे फिर इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। ये मैंने दूसरा भी बना लिया है, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये मैंने रोल बना लिए हैं। अब हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए हमने 2 अंडे लिए हैं और उन्हें फेंट लिया है, इसमें डाला कुछ भी नहीं है। और ये ब्रेड के अंदर का पार्ट है, उसको मैंने दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं, और फिर कढ़ाई में डालकर इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब हम एक रोल लेंगे और अंडे में इसको डिप कर लेंगे अच्छे से। अब ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे, अच्छे से कोटिंग करेंगे। ये देखिए इसमें चारों तरफ लग गया है अच्छे से। ये मैंने सारे रोल कवर कर लिए हैं, सब पे कोटिंग हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम होने रख दिया है और तेल अच्छा गरम हो जाएगा फिर हम इसके अंदर रोल डालेंगे। एकदम ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, ना ही मीडियम होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी सेकते हैं वैसा ही तेल होना चाहिए। तेल हमारा गरम हो गया है, हमने इसके अंदर रोल डाल दिया है। 4-5 रोल डाल देंगे एक साथ।
हमें फ़ौरन ही नहीं पलटना है, थोड़ी देर तक सिकने देंगे, 1-2 मिनट तक, उसके बाद पलटेंगे, नहीं तो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। रोल को सिकते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड पलट देंगे। अब हम इन्हें पलटते हुए सेकेंगे। अब इस तरीके से हम चम्मच से हिलाते हुए इन्हें सेक लेंगे, और जब तक हिलाते रहेंगे जब तक इनका कलर एकदम डार्क नहीं हो जाता। पलटते रहें इस तरीके से, और पलटते हुए ही सेकें। ये रोल का कलर हमारा अच्छा हो गया है, सिक चुके हैं लगभग, और अच्छे क्रिस्पी हैं ये। अभी हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, इनका कलर एकदम मस्त आ गया है। ये क्रिस्पी और टेस्टी चिकन रोल हमारे बनकर रेडी हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।